प्रॉपर्टी का डायरेक्ट ताल्लुक है इंटरेस्ट रेट से और उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट से भी। स्टॉक मार्केट जिस तरह से चल रही है कोई बड़ी बात नहीं कि वो 60,000 के पॉइंट्स को भी इंडेक्स को क्रॉस कर जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जिसका 10 लाख रुपए तक का नुकसान था उसने तकरीबन 2.5 लाख रुपए रिकवर कर लिया है, यानी कि कोई बड़ी बात नहीं कि वो अपने नुकसान कवर करने को तो जाएगा ही जाएगा क्योंकि वो 4-5 साल से होल्डिंग में है। और इसी के साथ साथ ऐसे भी बहुत बड़ी तादाद है जिसने शॉर्ट टर्म यानी कि 10,000 पॉइंट जो बढ़े इस दरमियान एंट्री ली थी, तो वो प्रॉफिट टेकिंग करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब भी यही है कि वो लोग जो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे ना वो अपने स्टॉक्स को या अपने प्रॉफिट को स्टॉक मार्केट में ही नहीं रहने देते, वो कहीं ना कहीं एग्जिट लेके कहीं ना कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि छः महीने नहीं तो कम से कम महीने डेढ़ महीने में तो ऐसी प्रॉफिट टेकिंग हमारे सामने देखने को जरूर मिलेंगी कि जो वहां से यहां पे लोग लेकर आएंगे और वो कहां जाएंगे, 500 200 300 में भी जाएंगे, लाजमी जाएंगे। मुझे ऐसा दिखता है कि शॉर्ट जो 18 20 लाख 22 लाख वाला प्रॉफिट वाला बंदा है ना वो बहुत घुसेगा और महीने डेढ़ महीने के अंदर ही घुसेगा, जो मुझे दिखता है मार्केट में। मार्केट में पैसा भरपूर है, कारोबार करने वालों के पास रिकवरी नहीं है, जिसकी वजह से आज मैं फिर भी कह दूं कि स्टॉक मार्केट बैंक्स ने तो समझो दिवालिया निकाल दिया इन्वेस्टर्स का। तकरीबन कहा जाता है कि मिजान बैंक के पास 2 खरब के करीब डिपॉजिट्स हुए हैं, वल्ला क्या सही है क्या गलत आप ही मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई है, अब आगे चलते हुए मार्केट हमें बेहतर दिख रही है, ऐसा दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। जो तेजी आज स्टॉक मार्केट में दिख रही है वो पहले है, मतलब कि IMF का जो कामयाब दौरा आना है, जो गुजरना है, ये तेजी पहले ही आ चुकी है। इसी के साथ साथ वक्त से पहले परचेजिंग होती है। जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी में परचेजिंग करनी है लॉन्ग टर्म के लिहाज से, वो आज परचेज कर रहे हैं आज, वो वक्त आने पे परचेज नहीं करेंगे, वो पीक पे परचेज नहीं करते। जो प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि अगर मेरे पास कुछ 2-3 लोग आए हैं स्टॉक मार्केट वाले, आज वो टोकन लगा रहे हैं, वो पेमेंट 20-22 दिन की बात कर रहे हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वे 20-22 दिन के बाद प्रॉफिट टेकिंग करके यहां आएंगे। आगे वक्त मुझे प्रॉफिट टेकिंग करते हुए स्टॉक मार्केट से वापस पैसा यहां आते हुए दिख रहा है, वो वक्त मुझे दूर नहीं दिख रहा, क्योंकि इसमें 40-50% डिप्रेस हुई है मार्केट हमारी, और यही वो मार्केट है जहां पर जूस मौजूद है। जजाकल्लाह खैर।